हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है, जानेंगे शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती आपको किस तरह से गाइड करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, तो उन्हों की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए, ये मैं आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहां तक पहुंचे आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आप। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती की तरफ से? टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेट अ सेकेंड, टेन ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड है अभी तक यहां पर, फाइव ऑफ कप्स, एक और कार्ड आ गया, द मून, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पे मुझे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस, ये साइन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहां पर, अदरवाइज एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो क्या आपको शिव शक्ति मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप नेगेटिव थिंकिंग ना करें। आप कॉन्टिन्यूसली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन हार्डवर्क जो भी कर रहे हैं ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं उसके साथ साथ, दैट इज़ वाई आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको खुद पर इनफ कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कम कर दो, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो अभी तक, तो जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देखो, कुछ डिले फेस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, लेकिन आपको लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं जल्दी ही, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब आप नेक्स्ट फेज में जाओगे तो वहाँ आपको विक्ट्री मिल रही है और जजमेंट भी आ रहा है आपके पास। आपको यही कह रहे हैं डिवाइन कि आपके लिए ना जो भी डिले था वो खत्म हो जाएगा अब जल्दी, आपकी सिचुएशन बदलने वाली है, आपकी जो आपकी स्थिति है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो भी डिले था, जो भी डिसेप्शन है, जो भी सफर कर रहे हो, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार कंफर्म करते हैं। यहां से देख लेते हैं एक बार। ओके, थर्ड आई चक्र, एस्केलेटेड मोशन, फर्टिलिटी, चलो दो कार्ड हैं, दोनों लेते हैं, स्टैंड योर ग्राउंड एंड विजडम। यस यस गाइस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, देखो आउटपुट देखो इसका क्या है, जैसे कि यहाँ पे विक्ट्री कार्ड था और यहाँ पे जितने भी कार्ड निकाले वो सारे आपके लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं वही बता रहे हैं। सबसे पहले आपका थर्ड आई चाक्रा ओपन हो जाएगा, आपकी जो एक विश है जिस पर आप काम कर रहे हो अभी राइट नाउ, बहुत ज्यादा जिस पर मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल पूरी हो जानी है वो विश, एक एम्प्रेस में कन्वर्ट हो रहे हो। ठीक है, आपके चाक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हैं फ्यूचर में, मैं आपको स्टैंड लेते हुए देख रही हूँ, और विजडम आ रहा है आपके पास, यानी कि आप
कोई अगर एग्जाम वगैरह की या किसी पेपर की या किसी इंटरव्यू जॉब जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका आपके आपका जो ड्रीम है ना वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं, शिव शक्ति आपको बता रहे हैं, आपका डिले खत्म होने वाला है। जो भी डिले आप फेस कर रहे हो, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिल रही है, जो आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, अब आपके काम बनने के लिए बिल्कुल अब बनेंगे आपके काम। अच्छा, किसी का अगर वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रोसेस है तो वो भी सफल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल चांसेस हैं। ओवर थिंकिंग मत करो, नेगेटिविटी अपने अंदर मत लेकर आओ। थोड़े से चैलेंज अभी साथ हैं आपके, बट अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे पॉजिटिविटी के साथ तो जजमेंट आपके फेवर में ही आता हुआ दिख रहा है। जजमेंट ही देखिए मैंने डिवाइन की क्या आने वाली है। तो डिवाइन फर्टिलिटी का कार्ड आ गया, इट मीन्स कि आप एक एम्प्रेस बन जाएंगे और आप अपनी विशेज भी पूरी कर रहे हैं, आपका हार्डवर्क पे होगा और स्टैंड ले पाओगे खुद के लिए। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन ये मत समझना कि स्ट्रगल खत्म हो गया या चैलेंजेस अभी नहीं मिलेंगे, एक दो दिन में मिल सकते हैं। प्रिपेयर रखो अपने आप को, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर, नेगेटिविटी बिल्कुल हटा दो, ठीक है। आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस आपके हाई हैं इस टाइम, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है क्लियर। गिल्ट में मत रहो, ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा हार्डवर्क अभी बढ़ा दो अपना एक दो दिन के लिए, और लेकिन इस काम को भी बैलेंस के साथ ही करना है, बिल्कुल भी ओवर भी नहीं करना, लेकिन हाँ छोड़ना नहीं है काम करना, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो करते रहना। क्रिएशन कंफ्यूजन, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ना आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगा, ये चीज मैं देख पा रही हूँ। एंड फेथ, फेथ रखिए बिल्कुल अपने ड्रीम्स पर, अपने डिवाइन पर कि आपके सारे काम बन जाएंगे। सोलमेट, अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो, लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, अभी अपने पर्पस के बारे में सोचो, क्योंकि आपका पर्पस सच होने वाला है। जो भी आप सोच रहे हो, जो आपने ड्रीम किया है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए, और डिवाइन आपको माँ शक्ति, माँ पार्वती और लॉर्ड शिवा और क्या बताएंगे आपको, लेट्स सी। उनका आशीर्वाद तो है आपके साथ, देखो लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती आपके लिए ग्रीन तारा माँ को भेज रहे हैं, यानी कि सुप्रीम प्रोटेक्शन देंगे आपको। अगर आपके लिए आगे हार्डशिप्स हैं तो आपके पास सुप्रीम प्रोटेक्शन भी है, यू आर प्रोटेक्टेड। कोड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट तो रखना है, फेथ का भी कार्ड है ना यहाँ पे, ट्रस्ट रखिए बिल्कुल, आपके काम बन जाएंगे, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए और आपकी मेहनत। लेडी वीनस, ट्रुथ इज बींग रिवील्ड, सच्चाई आपके सामने आएगी। ट्रुथ इज बींग रिवील्ड मीन्स जजमेंट, वो कार्ड हमारे पास पहले ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यस गाइस, जजमेंट मिलने के चांसेस हैं, कुछ पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। अब मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, लाइट इज हियर एंड वी हैव होप। यस, होप रखिए कि सब कुछ सही हो जाएगा। आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने की कोशिश करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, ठीक है, चीजें आपके लिए सेटल हो रही हैं ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और इस टाइम प्यार से सुने सबको, प्यार से ही बोलें, कोई एग्रेशन नहीं शो करना है, ठीक है, ताकि आपको बाद में गिल्ट ना हो। देखो माँ शक्ति आपके लिए खुद ही आ गई है, काली माँ। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और अब ये आपका ही टाइम है कि आप ऊंचाइयों को छुएं, ठीक है, दिस इज योर टाइम टू शो। यस गाइस, तो माँ शक्ति आपके साथ हैं, आदि शक्ति आपके साथ हैं एंड ग्रीन तारा माँ भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो भी कठिनाइयां हैं आपको सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी, और आप एक एम्प्रेस में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, और आप जो भी जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कोई भी आपका सपना है उसके पूरे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट आपका फेथ बहुत मायने रखेगा, बाकी तो डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ चल ही रही है। तो विश्वास को बढ़ा दें कि सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव ही बोलें हमेशा।
एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, उसको फॉलो करें। आपके पास स्ट्रेटजीज तो होंगी, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बाकी सपोर्ट आपको डिवाइन देंगे। बैलेंस अच्छा बना के रखना लाइफ में, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें बैलेंस के साथ, ठीक है। हीलिंग पर अभी भी फोकस रखें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोल दिया जजमेंट फेवर में है तो मतलब आप काम छोड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी भी हीलिंग पर फोकस ही करना है अपनी, कहाँ आप कमी कर रहे हैं वहां पर आपको और काम करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दुनिया बदलने वाली है जल्दी ही, चीजें फेवर में आएगी, ओके। और आपको इसके बाद थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि काफी टाइम से आप काम 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 ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़े से वीक भी दिख गए हो गए हैं आप, लेकिन यस आपके लिए आगे चलकर आपको रेस्ट मिलेगा, आपको पीस भी आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो चीजें ठीक हो रही हैं, आपका विश्वास बहुत मायने रख रहा है आपकी लाइफ में, तो इसको बनाए रखें और प्रोटेक्टेड ही फील करें, कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, ओके। थिंकिंग में चेंज लाएं, रैबिट टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर, आगे चलकर आपके सेक्सुअल लाइफ थोड़ा सा कंसर्न बढ़ा देगी आपका, ऐसा यहां पर आया है, बट अभी इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपने दूसरे मैटर पर ज्यादा फोकस करा तो फिर आपके पास सक्सेसफुल आउटकम नहीं आएगा, तो इसलिए अभी ध्यान एक ही चीज पर रखें, अपनी लव लाइफ को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएं अभी, ठीक है। बेल, अनाउंसमेंट होने वाला है, ये जजमेंट का तीसरा कार्ड यहां पर आ गया है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, ओके। अनाउंसमेंट होगा आपकी लाइफ में। डोर, वाओ डोर, ये डोर तो बिल्कुल खुल रहा है, ये काफी टाइम से इसका वेट कर रहे हो ना आप, ये डोर बिल्कुल खुलेगा आपके लिए। यहाँ है बोल प्लेन, ठीक है, ओके, ये कार्ड है, और है क्रैक्ड कप, वेट अ सेकंड, एक और कार्ड आ गया हमारे पास, कंगारू, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। थोड़ा सा ना आपके लिए डिवाइन यहाँ पर, ये जो तीन चार कार्ड अभी आए हैं, ये कार्ड्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है, थोड़ा सा और फोकस अपना बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देखो वैसे तो प्रोटेक्शन आपके पास है और आपकी स्ट्रेटजी भी मुझे अच्छी दिख रही है, लेकिन आपको ना अपना जो ध्यान है ना वो हटाना नहीं है, कोई डाइवर्जन मत लेकर आना, कोई डिस्ट्रेक्शन मत लेकर आना यहाँ पर, और जिस रिदम से काम कर रहे हो वैसे ही करते रहिए। अनाउंसमेंट पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत हाई हैं और आप प्रोटेक्टेड भी हैं, विक्ट्री आपका वेट कर रही है, डोर्स भी ये खुलने वाला है, और लाइफ में जो भी हो रहा है उसे अभी एक्सेप्ट कर आगे बढ़ें, क्योंकि जो ब्रोकन ब्रिज है ये तभी ऐसा बना हुआ है, ये तभी टूट रहा है जब आपका ध्यान भटक रहा है, अदरवाइज आपके पास सक्सेस ही आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें। देखो यहां से भी कार्ड है कि सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपना फोकस बढ़ाओ, थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करो, चीजें फेवर में ही आ रही हैं आपके। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखो डिवाइन क्लियर कह रहे हैं कॉन्फिडेंस तो आपके लिए सक्सेस की है, तो इसको तो बिल्कुल बनाए रखिए और थोड़ा अपनी स्पिरिचुअल और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह का डर अगर कैरी कर रहे हो तो उसको बिल्कुल निकाल दें अपने मन से, अगर डिवाइन पे ट्रस्ट है तो आराम से जो भी काम आगे फैसला लेने वाले हो ठंडे दिमाग से सोचकर अच्छे से लें और विश्वास रखें कि यस आप प्रोटेक्टेड हैं और आप जो करेंगे उसमें डिवाइन का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। तो शिव शक्ति आपको फेवर करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और उन्होंने बता दिया क्या चीज़ है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो डरें बिल्कुल भी नहीं, मुझे थोड़ा डर दिख रहा है आपके अंदर, इस डर को निकालो, क्योंकि कुछ पॉजिटिव कार्ड्स के साथ साथ नेगेटिव कार्ड्स का आना इट मीन्स आप पजल्ड हो रहे हैं, आप थोड़े कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और निकालो और ट्रस्ट बढ़ा दो। मुझे विक्ट्री आते हुए दिख रही है आपके पास, बट आपकी कन्फ्यूजन आपको
विक्ट्री से दूर कर देगी। तो इसलिए अभी भी टाइम है आपके, आपके हाथ में अभी टाइम है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दो, ठीक है, तो आपको विक्ट्री 100% मिलेगी। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।